नहाते, तेल लगाते, कंघा करते वक्त बाल कभी नहीं गिरेंगे। आज की रेमेडी बालों को 10x फास्टर हेयर ग्रोथ देगी और बालों को बढ़ा देगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। हेयर फॉल इतना हो रहा है, बालों की हेयर लाइन दिखने लगी है, सारे बाल झड़ जाएंगे तो क्या होगा? ये सारे नेगेटिव थॉट्स हर किसी के माइंड में आते हैं। आज आपकी नेगेटिव थॉट्स भी दूर हो जाएंगे और आपके घर में जगह जगह टूटे हुए बाल आपको दोबारा नहीं दिखेंगे। इसके लिए बस आपको पॉजिटिव होकर वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। पहले हम लेंगे अनियन। आप सभी लोग आजकल देख रहे होंगे, अनियन जूस का इस्तेमाल काफी बालों के लिए किया जा रहा है। प्याज आपके बालों के लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, कोई पोषण नहीं देता। इसके अलावा प्याज में सल्फर कंटेंट होता है। बालों में जितने भी एंटी ग्रोथ बैक्टीरिया होते हैं उनको ये हटा देता है। इसी वजह से बालों की ग्रोथ होती है और बाल टूटते नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है एक ब्लेंडिंग जार और इसमें आप प्याज के कुछ टुकड़े कट करके ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे करी लीव्स, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बालों के लिए न्यूट्रिशन है। कड़ी पत्ते में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन बी, आयरन होता है। करी लीव्स में इतने न्यूट्रिशन होते हैं कि यह हेयर ग्रोथ को इमीडिएटली प्रमोट करता है। और सुबह खाली पेट इसकी पत्तियों को खाने से हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो जाता है। सुबह खाली पेट अगर आप कड़ी पत्ता खाते हैं तो इससे आपके कोई भी रेमेडी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बालों के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी। तो कुछ करी लीव्स आप ले लीजिए। तीसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पर आपको लेना है ब्लैक क्यूमिन, यानी कि कलौंजी, इसको हम बोलते हैं। कलौंजी में जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो शायद ही किसी चीज में होते होंगे। ये आपकी बॉडी की हर चीज की कमी को पूरा करता है, क्योर करता है। जो केमिकल ट्रीटमेंट आजकल लोग कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बालों को उसके साइड इफेक्ट से बचाती है। एक चम्मच कलौंजी भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। अब इन सभी चीजों को ग्राइंड कर दीजिए। इसके बाद आपको लेना है कोई भी एक बर्तन और इस बर्तन में हम ऐड करेंगे प्योर कोकोनट ऑयल, शुद्ध नारियल का तेल। एंटी फंगल होता है, ये बालों की जड़ों में होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है, साथ ही बालों का टूटना रोकता है। ये बालों की जड़ों को पोषण देता है। नारियल का तेल काफी हल्का होता है। इसके अलावा ये बालों को कंडीशनिंग देता है, जिससे बालों में नेचुरल शाइन आती है। अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट नहीं होता है तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल हर हेयर रूट्स को सुटेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया था और जो चीजें हमने ग्राइंड करी थी उसको हम इस तेल में डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। और इस पैन को, इस बर्तन को आपको क्या करना है, गैस पर हल्की फ्लेम पर धीरे धीरे पकाना है। धीरे धीरे इसको अच्छे से पकाएं और इसमें ऐड करें एक चम्मच फेनुग्रीक सीड्स, यानी मेथी दाना। मेथी दाना बालों के लिए अपने आप में ही कमाल की चीज है। मेथी दाना आपके बालों को कोई पोषण नहीं देता है, बल्कि जड़ों में होने वाले माइक्रोबियल इन्फेक्शन बैक्टीरिया को कम्प्लीटली हटा देता है और हेयर फॉल को कम करता है। मेथी दाना डालकर इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएं और काफी देर तक पकाने के बाद जब ये ब्राउन हो जाएगा तो आप इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए और इसके बाद इसे छान लीजिए। छानने के बाद ये जो तेल आप देख रहे हैं, ये तेल आपके बालों को 10x डबल फास्टर हेयर ग्रोथ देगा। नहाने से, हेयर वॉश करने से एक दिन पहले आप नाइट में इस हेयर ऑयल को बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं, मसाज करें और मसाज करते हुए लगाएं ताकि आपके बालों की जड़ों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और बाल अच्छे से ग्रोथ करें। प्रॉपर तरीके से बालों की जड़ों में पार्टीशन करके पूरे बालों में लगा लीजिए। इसके बाद लेंथ में लगाएं और जब आप इसको पूरा लगा लेंगे तो रात भर इसको लगे रहने दें और अगले दिन हेयर वॉश कर लें। आपके जो जगह जगह घर में नहाते वक्त, कंघी करते वक्त बाल टूटते हैं, वो टूटना बंद हो जाएंगे और हेयर ग्रोथ भी काफी फास्ट होगी। I hope you like this video, so give it a thumbs up and share this video to your family, friends and relatives. Bye bye.